अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी बैंगन आलू की सब्ज़ी, ट्राई करिएगा। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने ली है 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसका हम पाउडर बना लेंगे। हल्का सा ऐसे रोस्ट करके बनाया है मैंने। और मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, उसमें डाली है 2 साबुत लाल मिर्चें। और ये आलू है और बैंगन है, 1/2 kg मेरे पास बैंगन है। और मैंने 3 आलू लिए हैं, इसे मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ही चटपटी सी ये सब्ज़ी बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मैंने आपको सौंफ और ज़ीरा दिखाया था उसका मैंने पाउडर बना लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सब मसाले हम एक साइड में रख देंगे जब तक कि हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसे निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। वन टी स्पून मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस सब्ज़ी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही रहता है, आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। ये टमाटर हैं 3 मेरे पास और 3 हरी मिर्चें, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। पहले हमें प्याज को खूब अच्छी तरीके से भून लेना है। अब इसमें हम बाकी जो पाउडर मसाले दिखाए थे आपको वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे भी मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। हमने टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 3 हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करी है, इसलिए उसी हिसाब से हम मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम भून लेंगे। में जब तक भुनना है जब तक कि ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। हमने जो बैंगन और आलू फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करूंगी ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गल जाएं। और मैं इसे स्लो फ्लेम पर रख दूंगी जब तक कि आलू और बैंगन अच्छी तरीके से गल ना जाए। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। एक बॉयल आ चुका है, मैं इसे ढककर रख दूंगी और ये चेक कर लेते हैं कि आलू और बैंगन गले हैं या नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक रही है। बैंगन तो तकरीबन गल चुके हैं क्योंकि इन्हें गलने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आलू एक बार चेक करेंगे हमें। आलू में भी थोड़ी सी कसर है, मैं 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे और रखूँगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी इस आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आलू भी देखिए गल चुके हैं, बस अब इसे हम सर्व करेंगे रोटी या चावल के साथ। पर आप ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
और मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू और बैंगन की सब्ज़ी हमारी तैयार है, एक बार ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।